नमस्कार, आप देख रहे हैं वन हरियाणा और मैं आपके साथ हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। जींद उपचुनाव अब सभी पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन चुका है। सबकी नजरें एक पार्टी पर भी है और वो पार्टी है जेजेपी। जेजेपी की ओर से बड़ा दाव खेला गया, वो दाव था दिग्विजय चौटाला के नाम का, जिसके बाद ये जो चुनाव है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। किसी को नहीं मालूम कि किसकी जीत होगी। सभी की नजरें उन्हीं कैंडिडेट पर टिकी हुई है जो इस चुनावी मैदान में है, खास करके रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय चौटाला पर। अब बात करते हैं दिग्विजय चौटाला की। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपनी जीत का दावा ठोकते जा रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि ये चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें ये भी पता है कि उनकी पार्टी के लिए ये खाता खोलने जैसा बड़ा एक स्वर्ण खिताब है। यही कारण है कि लगातार जींद की जनता से संवाद करते दिग्विजय चौटाला नजर आते हैं। अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए वो जींद के मुद्दों की भी बात करते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी अब शुरू कर दिया है। एवन हरियाणा के लिए जींद से धर्मपाल सक्सेना की रिपोर्ट।